श्री गणेश महावीर उच्च मध्य विद्यालय रामगढ़वा, यहाँ छात्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मैट्रिक के एडमिट कार्ड बांटने में मनमाने ढंग से पैसे लिए गए हैं। जब डेली वर्ल्ड ने छात्रों से बात की तो छात्रों ने बताया कि 12 फरवरी 2018 से यहाँ एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है और 50-50 रुपए लिए गए हैं। आप लोग एडमिट कार्ड मिला है? जी मिल गया, मिल गया, सबको मिला है जी। क्या कोई चार्ज भी लगा है? कल लगा था, कल लगा था, कल लगा था। कितने रुपए का चार्ज लगा था? 20 रुपया। और आज? आज नहीं लगा है ना? आज नहीं। और आज क्यों नहीं लगा चार्ज? पता नहीं, आप लोग आ जाने का रहे। आप लोग आ जाने का रहे। और साथ ही छात्रों ने बताया कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है और साइकिल का पैसा भी नहीं मिला है। छात्रवृत्ति का पैसा हमारा अभी तक नहीं मिला है, हम लोग साइकिल का पैसा नहीं मिला है। हम लोग सर बोले कि फॉर्म जमा करो, फॉर्म भर के हम लोग पैसा जमा कर दिए हैं, लेकिन एक बार भी पैसा अभी तक नहीं आया। तो आपने साइकिल का पैसा का, आपने जो साइकिल का रसीद था उसको जमा कराया था? आप सबका पैसा नहीं आया है? क्या प्रूफ है कि नहीं आया? कोई प्रूफ है आपके पास? किससे आपके पास नहीं आया? आया है, क्या प्रूफ है? बैंक का खाता है आपके पास? सब दिया है। और आप लोगों ने इसकी शिकायत अपने जो कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य उनसे किया? हाँ किया। तो क्या बोले वो? बोले कि पैसा आ जाएगा, कल आएगा, बोलेगा आ जाएगा, कल आएगा, इसी तरह बोलते। पैसा भी नहीं है, नहीं है। प्रवेश पत्र वितरण में विद्यालय कर्मचारी से बात होने पर उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से कोई पैसा नहीं लिया गया। 12 फरवरी 2018 में शाम को लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो मैट्रिक परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र का वितरण किया जा रहा है उसमें छात्रों से 50-50 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेकर दिए जा रहे हैं। तो फिर हमारी टीम जो है वो 12-13 फरवरी को आपके विद्यालय में पहुंची और जहां पे प्रवेश पत्र वितरण हो रहा था, जिनके द्वारा वितरण की जा रही थी, उनसे बातचीत हुई और वहां के छात्रों से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि 20-20 रुपये लेकर ये प्रवेश पत्र हमें दिए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? सरकार हमको देती नहीं, एक एडमिट कार्ड जी देना था, इस बार 2 एडमिट कार्ड हो गया, एक एडमिट कार्ड प्रिंसिपल का जी जी और एक इसका। अब दोनों, अब उसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो इसके लिए कोई सरकार अतिरिक्त बजट? हमारा विद्यालय तो सबसे अच्छा है बिहार में, दूसरी जगह है जो हम सुनते हैं कि इस तरह से होता है, 50 रुपया खोल ले लिया, कुछ ऐसे भी तो लड़के। तो सर जो इसका जो अफवाह फैलाया गया कि रुपया अतिरिक्त दिया जा रहा है, 10 लड़के को तो हम वैसे ही दे 50 से ऊपर सर। इसके लिए सर आपने कोई सूचना निकाली थी कि इतना खर्च लगा है जो खुद से इसको भरपाई करना है? इतनी हर चीज की सूचना कहाँ से निकाली? अगर सूचना निकाल दी गई आपकी तो अफवाह नहीं फैलता, एक लिमिट कर दिया जाता है कि इतना ही पैसा लिया जाएगा। हर विद्यालय में कुछ न कुछ अतिरिक्त खर्च होता है। डीओ साहब भी बोले थे कि जो खर्च आता है 5-15-20 रुपया जो आता है। डीओ साहब सर लिखित आदेश दिए हैं कि मौखिक आदेश दिए हैं? लिखित तो बिहार में कोई नहीं देता। यह कहा लोग कहा कि इतना ही में पहले फॉर्म मैंने क्या कहते हैं प्रवेश पत्र आता था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, आपके द्वारा हम लोग लेते थे, क्या जरूरत थी उसको अपलोड कर देंगे साइबर से निकालने के, साइबर वाला लेगा पैसा कि नहीं? सर आपके द्वारा अगर हम पत्र के बदले में अतिरिक्त शुल्क कितना लेने का तय हुआ था, आदेश हुआ था? ना हम कुछ नहीं कहते थे, जिसको मन है देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, नहीं तो अपनी जेब से लगा के देते आए हैं। साहब जी आप हमें ये बताइए कि आप इस विद्यालय में किस पद पे नियुक्त हैं? कार्यालय कर्मचारी। तो 13 फरवरी की जो हमारी टीम ने यहाँ पे कवरेज किया तो उस दरमियान आपने मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र वितरण आप कर रहे थे, तो ये आदेश आपको थे 4-5 आदमी सहयोग के रूप में हम और इस विद्यालय के छात्रों ने जो आरोप लगाया है कि प्रवेश पत्र के बदले 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं, वो आप किस आदेश के तहत ले रहे थे? नहीं वो तो प्रधानाध्यापक ने विशेष तो बताया ही आपको, और रही बात पैसा लेने की तो पैसा तो नहीं दिया गया था और का झूठा। फिर छात्रों ने तो बोला है ना
बोला ये ना बोला के उसको। नहीं, उस तरह की बात नहीं है, हम लोग तो बहुत चाहते हैं पैसे के बांटे होंगे यहाँ। 100 से ऊपर लड़का होगा जिसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। इसी दरमियान यहाँ के एक छात्र ने आपके सहायक शिक्षक पे आरोप लगाया है कि उन्होंने स्टाइपेंड के मद में फॉर्म भरने के लिए आया हुआ था, जिसके लिए वो 500 रुपये उन सहायक शिक्षक को दिया और छुट्टे के अभाव में उन शिक्षक ने बोला कि आप अगले दिन आके अपने बाकी के पैसे ले लेना। तो अगले दिन जब वो छात्र वहाँ आपके विद्यालय पहुँचता है तो वे शिक्षक ये बोलते हुए इनकार कर देते हैं कि तुम्हारी तो कोई सिग्नेचर हुई नहीं है, तुम उपस्थित भी नहीं था, तो तुम्हारे पैसे कहाँ से मेरे पास रह गए, तुमने कोई पैसा मुझे दिया ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? उस लड़का को तो सीधे मुझे आवेदन देना चाहिए, मैं उस आवेदन के आधार पर अभी तो उसने बयान दिया, उसका प्रूफ हमारे पास है, हमारे चैनल को दिया है, आप देख सकते हैं। ये छात्र आपके विद्यालय का है ना? ये सीताराम जी का बेटा है और यह एक बार चोरी में पकड़ाया, मैं खूब अच्छी तरह से पहचान अभी है विद्यालय में या ना, पिछले साल फेल कर गया। छात्रवृत्ति का पैसा लिया लड़कों के ऊपर बाकी रहा होगा, माने या तो उसका अनुपस्थिति 1 रुपया रोज लगता है और बाकी रहा होगा तो वर्ग शिक्षक लिया होंगे। नहीं नहीं बाकी रहा होगा तब वह दिया कि नहीं दिया, उस समय तो हमको कोई नहीं कहा कि हम इतना लग रहा है इतना दिया, हमको कहा कोई आवेदन देता है कि यह इतना लग रहा है ऐसे लग रहा है, हमको 50 हुआ आवेदन आज तक का यही कहना है कि लेकिन वह बोलता है लेकिन आवेदन नहीं देता, लिखित रूप में कुछ देगा तब ना हम कुछ 800 रुपये सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है और उसके बदले में यहाँ पे 920 रुपये लिए गए, यह जानकारी हमको कितना दिया। बच्चे तो कंप्लेन आपको दिए होंगे ना? आपको नहीं, प्रधानाध्यापक है यहाँ के, वो कहाँ कोई का कहता तब तो हम पढ़ा ही नहीं। आप हैं सर इस विद्यालय के एनसीसी टीचर, सर एक छात्र ने आप पर आरोप लगाया है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के दरमियान उसने 500 रुपये का नोट आपको दिया और छुट्टे के अभाव में आपने बोला कि अभी छुट्टे पैसे नहीं है, कल आके तुम ले लेना। तो वो जब कल पहुंचा तो आपने बोला है कि तुम कल आया ही नहीं है और तुम्हारा इसका प्रमाण है कि सिग्नेचर तुम्हारा रजिस्टर में कहीं पे है नहीं कि तुम उपस्थित हो, तो तुमने मुझको पैसा दिया ही नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किस छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति का क्या सर, छात्रवृत्ति का फॉर्म भराया है क्या तुमसे? उसका एक बयान है, वीडियो में आपको दिखाता हूँ। गाड़ी चोर है, जी वही एडमिट कार्ड के कवरेज के दौरान और कोई जाति का प्रमाण पत्र भी लगाने की बात कर रहा है, किस मद का था, साइकिल के लिए था कि क्या था? सम्मान में जाते संबंधित जो भी बच्चा है वो मतलब कि उस तरह की बात नहीं है और यहाँ जिस बच्चे को का मतलब कि पैसा लिया गया है उस बच्चे से बगावता सिग्नेचर कराया गया और वो बच्चा जो है शुरू में उसके पास चेंज नहीं था, चेंज नहीं होने की वजह से उसको पैसे उसको रिटर्न कर दिए और उसे याद नहीं है, वो गलतफहमी में है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की बात यहाँ पर नहीं। सर मुश्किल से कहीं 13 फरवरी 2018 विद्यालय में आप एब्सेंट पाए, इस पे आप क्या? तो हमको तो
चार्ज दे करके गए हुए थे। यहाँ पे जो भी आपके सहायक शिक्षक थे उन्होंने बोला कि किसी को कोई प्रभार नहीं मिला हुआ है, तो उसका प्रमाण आदेश पंजी दिखाई गई। आदेश पंजी आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? प्रभार देके गए हैं कि नहीं गए हैं? किसको प्रभार दिए? ब्रजेश्वरम देव को। रमाकांत पाठक जी नहीं लिए, तो हमको तो किसी को देख जाना था। सर ब्रजेश्वरम देव को दिखाया जाए सर। मैं आज दिनांक 13/2/18 को प्रधान लिपिक श्री उदय कुमार के द्वारा मिली दूरभाष के आलोक में जिला मुख्यालय में जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में श्री, पहले मैंने दिया रमाकांत पाठक जी को, लेकिन वे प्रभार देने से इनकार किए, तो ब्रजेश्वरम देव को दिया, विद्यालय के प्रभारी होंगे। साथ ही मैं 15/2/18 को आकस्मिक अवकाश में रहूंगा, यहाँ ब्रजेश्वरम देव का साइन है। सर जब डेलीवर की टीम 13/2/18 को आपके विद्यालय में पहुंची, एडमिट कार्ड में कुछ पैसे लिए जा रहे थे एडमिट कार्ड बांटने के बदले, तो जब आपसे पूछा गया कि आप यहाँ प्रभार में है, तो आपने बोला कि मैं प्रभार में नहीं। ठीक बोला जाए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो नियमित प्रभार में रखते हैं वो 1 मिनट पहले हमको 2 मिनट पहले दिए ही थे। को थे नियमित प्रभार में? नियमित प्रभार जो सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं। तो अब मान लीजिए कोई भी कार्यालय आदेश या कुछ भी, तो हम तो अननोन थे उसमें, तो किसी तरह का एंसरिंग तो हम नहीं कर सकते थे उसमें। तो बिना आपको बताए तो देखेगा चले गए उसमें भी जो है। सो बड़े शिक्षक सबका चालाकी कहिए या जो कहिए इसमें, या राजनीति कहिए, जो सीनियर है ऑलरेडी थे ही, आपके और एक जूनियर को थमा दिया गया। आपको पता नहीं था कि आपको प्रभार मिला हुआ है? अब पता था उसमें, अब पिछली क्या घटना है सबका हमको रिपोर्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी कहते सिग्नेचर है ना उसमें, तो उसी वक्त का था सिग्नेचर, तो उसी वक्त हम किए थे। हाँ, तो हमारी टीम पहुंची थी आपको लगभग 3 बजे दोपहर के बाद पहुंची। 3 बजे नहीं, 11 बजे, 11 या 12 बजे। और फिर दोबारा भी हमारी टीम आई हुई थी आपसे बात करने के लिए। दोबारा जब आप यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे सुरेंद्र चौधरी, उनसे जब मोबाइल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सहायक शिक्षक ब्रजेश्वरम देव को प्रभार दे के मतलब आए हुए हैं मोतिहारी। बोला जाए बस वही आपसे पूछना है। आया जाए, मान लीजिए कोई भी पिछले क्वेश्चन सबका जवाब देना है, तो ऑलरेडी जो नियमित प्रभारी है उसी से लिया जाना चाहिए, उसी से लिया जाना चाहिए ना। नियमित प्रभारी है तो वो तो बोल ही रहे हैं कि मैं ब्रजेश्वरम देव को दे के आया। मान लीजिए कि 2 मिनट और आदेश पुस्तिका भी दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका उसमें सिग्नेचर भी है, ठीक है। आप मान लीजिए, आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि हमें प्रभार नहीं दिया गया? प्रभार मिला, लेकिन आप पूरी व्यवस्था के बारे में यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो उसकी हम कहां से जवाब दे पाएंगे? आशीष सर आप हमको ये बताएं, आप इस विद्यालय के एनसीसी टीचर हैं, तो छात्रों का आरोप है आप पर कि आपके द्वारा एनसीसी के फॉर्म भरने में भी अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं और सर्टिफिकेट इशू के दरमियान भी अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं। किस पैसे ने आपको बताया? आपको एनसीसी का जो भी टीचर से एक भी पैसे नहीं लिए गए हमसे? सर कुछ छात्रों का ये कंप्लेन है कि साइकिल मिलने वाली सूची में हम लोग का नाम है और हमें साइकिल उपलब्ध नहीं कराई गई है या विद्यालय से नहीं मिली है। इसके लिए हम आपसे इन साइकिल मिलने वाले छात्रों की सूची प्राप्त करना चाहते हैं। जिस दिन अभी आप टेबल पर रखा हुआ है, इतना टफ काम हो गया क्योंकि बैंक हमको नाम के अनुसार नहीं दिया कि किसके खाता में पैसा गया या किस नाम का है, सिर्फ अकाउंट नंबर दिया। अब उसे 2000 विद्यार्थी में अकाउंट खोजना, खोजते 3 महीना से हम लोग लगे हुए हैं। साइकिल की राशि या किसी छात्रा की पोशाक की राशि या पूर्व का क्या किसी बच्चे की छात्रवृत्ति नहीं गई, किस कारण से नहीं गई, तो बैंक से जो कुछ हमको मिला उसमें कारण मिला कि किसी लड़के की खाता संख्या में गड़बड़ी थी, किसी लड़के का अकाउंट ही स्टॉप हो गया था, किसी लड़के ने
अपनी माँ के की ही खाता दे दिया, किसी ने पिता के खाता दे। अब इस तरह से इतनी गड़बड़ी हुई जिसको हम 3-4 महीनों से लगे हुए हैं। अब उम्मीद है कि ज़्यादा बहुत समय लगेगा तो 1 सप्ताह के अंदर में शेष बच्चों के खाते में राशि चली जाएगी। स्टॉप, उसकी खाता ही बंद थी तो उसकी खाते में राशि कैसे जाती? सब जगह देख रहे हैं, स्टॉप, सब जगह स्टॉप। ने उसके अपनी खाता को बंद कर लिया था और ऊपर से कहा कि जाना चाहिए। छात्रों के द्वारा लगाए गए आरोपों को यहां के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक आशीष पचौरी ने इसे कुछ इस तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया और छात्रों के आरोप को निराधार बताया। कैमरामैन राहुल चौबे के साथ रिपोर्टर अवनीश चौबे और मैं मुकेश कुमार त्रिपाठी, डेली वर्ल्ड टीवी के लिए।